नमस्कार दोस्तों, मैं ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे जो राजस्थान की दूसरी जो पवित्र झील है, जिस झील को हम लोगों ने नाम दिया है राजसमंद झील। दोस्तों, राजस्थान की सबसे पवित्र जो झील है उस झील का नाम है पुष्कर। लेकिन जो पुष्कर झील है उसको सबसे पवित्र का दर्जा दिया है, लेकिन दूसरी जो पवित्र जो झील है उस झील का नाम है राजसमंद झील। और दोस्तों, ये जो राजसमंद जो झील है, जिस ज़िले में है उस ज़िले का नाम भी राजसमंद ही है। तो याद रखिएगा, राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील या एकमात्र ऐसा ज़िला जिसका नाम झील के नाम पर रखा है, झील के नाम पर जिस ज़िले का नाम रखा है वो ज़िला है राजसमंद। अर्थात राजसमंद झील के कारण राजसमंद ज़िले का नामकरण हुआ है। सबसे पवित्र झील मानी गई है पुष्कर, और पुष्कर के बाद में दूसरी जो पवित्र झील है उसी दूसरी पवित्र झील को नाम दिया है राजसमंद। दोस्तों, राजसमंद जो झील है ये राजसमंद ज़िले में काकरौली के पास में है, और हमें पता है ये जो काकरौली है ये एशिया का टायर ट्यूब का सबसे बड़ा कारखाना माना जाता है। एशिया का टायर ट्यूब का सबसे बड़ा कारखाना कौन है? काकरौली, जो राजसमंद के अंतर्गत है, और राजसमंद के अंतर्गत ये रेलवे स्टेशन भी है। दोस्तों, बात करें इस झील का जो निर्माण है वो राज सिंह द्वारा करवाया गया था। राज सिंह ने इस झील का निर्माण करवाया था। और बात करें कौन सी नदी का जल रोका गया था? गोमती नदी का जल रोक कर और लगभग 1662 के आसपास इस झील का निर्माण करवाया गया राज सिंह के द्वारा, इसीलिए इसका नाम पड़ा राजसमंद। दोस्तों, ये जो राजसमंद जो झील है, इस झील का जो उत्तरी भाग है, इस उत्तरी भाग को एक विशेष नाम दिया जाता है। यहाँ 9 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उतरने की, और इसीलिए इस जगह को एक विशेष नौ चौकी की पाल के नाम से जाना जाता है। 9 सीढ़ियाँ बनी हैं उत्तरी भाग में, इसलिए उत्तरी भाग को नौ चौकी की पाल के नाम से जाना जाता है। यहीं पर शिलालेख बना हुआ है दोस्तों, और ये जो शिलालेख है, इस शिलालेख को विश्व का, यानी ये कहें कि एशिया का सबसे बड़ा शिलालेख होने का श्रेय दिया जाता है। ये जो शिलालेख है इसको नाम दिया गया है मेवाड़ प्रशस्ति, या इसे ही कहा गया है राज प्रशस्ति, या इसी को और नाम दिया जाता है मेवाड़ का इतिहास। दोस्तों, ये जो इतिहास है मेवाड़ का, इसमें गुहिल से लेकर गुहादित्य गहलोत जिसको नाम दिया जाता है, जिसका समय 566 ईस्वी के आसपास का माना जाता है, गुहिल से लेकर और राज सिंह का इतिहास लिखा हुआ है। और राज सिंह का समय 1652 से और लगभग 1680 के आसपास का माना जाता है। तो राज सिंह के समय ये प्रशस्ति लिखवाई गई थी, और ये इसमें मेवाड़ में राजा गुहिल से लेकर राज सिंह तक का इतिहास लिखा हुआ है। इस और बात करें तो इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति के तौर पर जाना जाता है। इस प्रशस्ति को लिखने वाला रणछोड़ भट्ट था। दोस्तों, रणछोड़ भट्ट के द्वारा, और या इसी को लिखा जाता है रणछोड़ तैलंग के द्वारा ये राज प्रशस्ति लिखी गई। कौन सी भाषा में है? तो याद रखिएगा, ये जो प्रशस्ति लिखी गई है ये संस्कृत भाषा में है, और इसमें गुहिल से लेकर के और राज सिंह तक का इतिहास लिखा हुआ है, और इसी को राज प्रशस्ति के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, ये जो राजसमंद जो झील है जिसका उत्तरी भाग नौ चौकी की पाल कहलाता है, इसके अलावा बात करें दोस्तों किस नदी के जल को रोका गया, तो गोमती नदी के जल को रोक करके इसका निर्माण करवाया गया। बात करें किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? राज सिंह के द्वारा, इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया राजसमंद झील, या ये कहें कि राज सिंह के द्वारा निर्मित होने के कारण राजसमंद कहा गया। दूसरी जो झील है दोस्तों, हम बात करते हैं जयसमंद की। और जयसमंद जो झील है, इस जयसमंद झील का जो संबंध है वो है उदयपुर ज़िला। तो दोस्तों, अगली जो झील है, हम जिस झील की बात करते हैं वो है जयसमंद झील।
दोस्तों ये जो जैसमंद जो झील है ये एक कृत्रिम झील है। जैसमंद एक कृत्रिम झील है और जैसमंद जो झील है इस झील का संबंध जिला है उदयपुर। दोस्तों जैसमंद झील उदयपुर ज़िले के अंतर्गत है। बात करें इस झील का जो निर्माता था, इस झील का निर्माता जयसिंह था। और जयसिंह ने किस नदी का, तो ये गोमती नदी, अर्थात एक छोटी गोमती है एक बड़ी गोमती है, तो गोमती नदी के जल को रोक करके इस झील का निर्माण करवाया जयसिंह ने। और इसका जो पुराना या कहें कि इसका जो प्राचीन नाम है ये मिलता है डेबर झील। डेबर झील दोस्तों ये डेबर झील इसका प्राचीन नाम मिलता है। पहले यह एक कहें कि एक विशेष तौर पर छोटी झील थी, लेकिन वर्तमान की अगर बात करें तो ये कृत्रिम झील है और कृत्रिम झील का भी स्थान बनता है। ये एशिया की व भारत की, एशिया की भारत की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है। दूसरी बड़ी क्योंकि भारत की सबसे बड़ी है वो है गोविंद सागर, और ये दूसरी बड़ी है जिसका नाम है जैसमंद झील। दोस्तों इस जैसमंद झील के आसपास विशेष पठारी क्षेत्र है। इस पठारी क्षेत्र का नाम है लसाड़िया का पठार। तो लसाड़िया का पठार का संबंध किस झील के पास से है, तो वो है जैसमंद। दोस्तों प्राचीन काल में जब राजा महाराजाओं का समय था तो रियासत काल में यहाँ वन्य जीवों को देखने के लिए, क्योंकि ये प्राचीन शिकारगाह था राजा महाराजाओं का, तो यहाँ पर अवलोकन स्तंभ बनाए गए यहाँ पर राजा महाराजाओं के समय के, अर्थात रियासत कालन के, और इन्हीं को कहा जाता है औधिया। तो औधिया का संबंध किससे है, औधिया का संबंध है अवलोकन स्तंभ से, जो किस झील के पास बने हुए हैं, जैसमंद झील के पास। दोस्तों ये जो जैसमंद जो झील है, इस जैसमंद झील के अंतर्गत है 7 टापू हैं, जिनमें सबसे छोटा जो टापू है उसका नाम है प्यारी, और जो सबसे बड़ा जो टापू है उसका नाम है बाबा का भागड़ा। बाबा का भागड़ा यहाँ बड़ा टापू है और छोटे टापू का नाम है प्यारी। तो ये कहें कि बाबू का भागड़ा या बाबा का भागड़ा और प्यारी क्या है, तो ये टापू है। और दोस्तों बात करें बाबा का भागड़ा पर, यहाँ होटल चल रहा है RTDC का, आइस होटल आइसलैंड रिसोर्ट, होटल आइसलैंड रिसोर्ट है वो बाबा के भागड़ा पर चल रहा है। अगर ऑप्शन में ये नहीं हो तो फिर मिलेगा बाबा का मगरा। तो बाबा का भागड़ा या बाबा का मगरा पर होटल पर क्या चल रहा है, होटल आइसलैंड रिसोर्ट चल रहा है, छोटे टापू का नाम प्यारी। दोस्तों इन टापों पर जनजाति अर्थात भीलमीणा लोग निवास करते हैं, इन टापों पर भीलमीणा लोग निवास करते हैं। पास में ही कहें कि यहाँ इतिहास प्रसिद्ध रूठी रानी उमादी, जो कि कहें कि लूणकर्ण की पुत्री थी, तो इतिहास प्रसिद्ध मालदेव जो राठौड़ था जोधपुर वाला मारवाड़ का, उसकी जो रानी थी उमादी, तो उमादी के यहाँ पर महल बने हुए हैं, जबकि उमादी की छतरी अजमेर के अंतर्गत तारागढ़ दुर्ग के अंतर्गत है। तो दोस्तों जैसमंद भारत की या एशिया की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है, क्योंकि गोविंद सागर का प्रथम स्थान है। ये झील उदयपुर के अंतर्गत है। जयसिंह ने गोमती नदी का जल रोककर इस झील का निर्माण करवाया था। यह एक कृत्रिम झील है। और बात करें इसमें 7 टापू हैं, बड़ा बाबा का भागड़ा या बाबा का मगरा जिस पर होटल चल रहा है, छोटे टापू का नाम प्यारी है, टापू पर भीलमीणा लोग निवास करते हैं, यहाँ रूठी रानी जो उमादी है उसके महल बने हुए हैं, और ये जो जैसमंद झील है इसके, ये कहें कि प्राचीन काल में यहाँ वन्य जीवों को अवलोकन स्तंभ के तौर पर औधिया बने हुए हैं। आसपास कटापटा पठारी क्षेत्र है इसके, जिसको नाम दिया जाता है लसाड़िया का पठार। दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।